हेलो एवरीवन, बहुत लोगों को ये तकलीफ आ रही है कि उनको गाड़ी में माइलेज बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है। एक्चुअली इसके पीछे का रीज़न क्या है? मेरी गाड़ी जब 43-44 का माइलेज टच करती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, लेकिन जब भी मैं इसको चेक करता हूँ तो ये माइलेज जो 39-40 पे आके स्टिक हो जाता है। 43-44 में मुझे खुशी इसलिए मिलती है बिकॉज इसका ये हाइएस्ट पीक माइलेज टच है, इसके ऊपर ही कभी जाती ही नहीं। यानी कि 45 तो मैंने बहुत रेयर केस में देखा होगा 45 पर माइलेज टच कर रही है। अभी आपको मैं प्रेजेंट में माइलेज दिखाऊं इसका, तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रेजेंट में माइलेज आपको कितना मिल रहा है, 39.4 किलोमीटर पर लीटर इसका प्रेजेंट में माइलेज आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो एक्चुअली मैं ऐसा होता क्यों है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि ये 6250 आरपीएम पर ये गाड़ी जो है वर्क करती है। तो इतने ज्यादा आरपीएम होने की वजह से क्या होता है कि आपकी गाड़ी का जो इनिशियल माइलेज है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। आपको मैं देसी भाषा में समझाता हूँ। देखिए जैसे आप अपनी गाड़ी को जब स्टार्ट करते हैं तो इसका आरपीएम जो है वो बहुत ज्यादा हाई पे रहता है, एंड 10 से 15 सेकंड बाद इसका जो आरपीएम है वो कम होता है। आपने ये बात नोटिस की है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब दूसरी चीज की बात करते हैं, इसका जो वेट है वो थोड़ा सा हैवी साइड पे है। थर्ड, जब हम लोग अपनी गाड़ी का जो एक्सीलरेटर जब देते तो हमें एक फील होता है कि हमारी गाड़ी थोड़ी सी हैवी चल रही है। भले ही अपनी गाड़ी की नई नई सर्विसिंग करवा के लाएंगे लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि हमारी गाड़ी जो थोड़ी हैवी चल रही है। उन हैवी चलने के पीछे का रीजन ये होता है कभी हमारी गाड़ी में जो है ब्रेक्स जो है वो प्री अप्लाइड रहते हैं, यानी कि हमारी गाड़ी में जो ब्रेक्स है वो पहले से लगे हुए रहते हैं, तो हमें अपनी गाड़ी को ब्रेक्स को जो वो फ्री करवाना होता है। फोर्थ, हमें अपनी गाड़ी में ये चेकआउट करना होता है कि हमारी गाड़ी की सर्विसिंग जो है वो टाइम टाइम होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको सारी चीजें काउंट नहीं करूंगा बिकॉज बहुत लोगों ने सारी चीजें सारे सारे जो पॉइंट्स है उसको एप्लीकेबल कर दिया होगा अपनी गाड़ी में, यानी कि प्रॉपर इंजन, प्रॉपर सर्विसिंग, प्रॉपर मेंटेनेंस अपनी गाड़ी का, प्रॉपर टायर प्रेशर अपनी गाड़ी में, प्रॉपर इंजन ऑयल, प्रॉपर ऑयल चेंज, प्रॉपर गियर ऑयल, सारी चीजें मतलब ए टू जेड चीजें कंप्लीट करके रख दी है। लेकिन एक बात आपको ध्यान जरूर में रखना है कि अगर आपकी गाड़ी का आरपीएम काफी ज्यादा हाई पे है तो आप लोग को जो माइलेज है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप में देखने के लिए मिलेगा। एंड अगर आपका माइलेज जो है वो अगर आपको माइलेज अच्छा मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आरपीएम है वो कहीं ना कहीं लो फील हो रहा होगा। तो आप अपनी गाड़ी के आरपीएम को सेट आउट करवा सकते हैं एंड उसके बाद आप देखिए कि आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। थैंक यू सो मच।